हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका साथी, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम वीडियोज़, में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसका लाभ आपको अरे आने वाली हरियाणा की परीक्षाओं में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के संसदीय तथा विधानसभा क्षेत्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने नई दिल्ली में पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये सम्मेलन 7 मार्च 2020 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किरण योजना शुरू की है, और दोस्तों, किरण की फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांस्ड थ्रू न्यूट्रिंग। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। दोस्तों, 2020 के अंदर जो महिला T20 विश्व कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, और इसका विजेता ऑस्ट्रेलियन टीम रही थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, जनवरी 2021 से बायोडिग्रेडेबल सैटनरी नैपकिन डिस्पोजल बैग अनिवार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, TIFSC ने महिलाओं के लिए विज्ञान ज्योति पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट के प्रचार हेतु 100% क्रिकेट नामक अभियान शुरू किया गया है, और आईसीसी के सीईओ कौन है, मनु साहनी। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिलाओं के क्रिकेट के प्रचार के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके कि महिलाओं के क्रिकेट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने हेतु आंध्र प्रदेश में निगाहें नामक ऐप लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान में भाग लेने वालों की संख्या के आधार पर तमिलनाडु शीर्ष पर रहा, तथा हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, नवन किशोर अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने सी इंस्पायर्स अभियान के तहत 7 महिलाओं को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स सौंपे हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने ट्विटर अकाउंट को 7 महिलाओं के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सौंप दिए हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को सॉरी असम ने एथलीट हिमा दास को, जो कि एथलीट हैं, उनको DSP के पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार ने 2022 तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, जो महिला मतलब कि अपनी आजीविका नहीं कमा सकती, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है, जिससे कि महिलाओं के लिए 75 लाख स्वयं सहायता समूह खोले जाएंगे, तथा और महिलाएं अपनी आजीविका कमा सकेंगी। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है, महिला हॉकी रानी ने रामपाल। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर रानी रामपाल बनी है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद से हैं, और पुरुष में मनप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और बेल का आइकन दबा दें, जिससे कि आप मेरी वीडियो जल्द से जल्द पा सकेंगे। धन्यवाद।